तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्यूटी इन ब्लैक नाम की इस टीवी सीरीज़ के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से हमें अभी देखने को मिली है लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है तो आज की हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस सीरीज से रिलेटेड प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में साथ ही साथ इसकी स्टोरी और कितने सेक्शन हमें और देखने को मिल सकता है क्या परफॉर्मेंस रही है इस सीरीज़ की सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं ब्यूटी इन ब्लैक एक अमेरिकी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसका निर्माण निर्देशन और कार्यकारी निर्माण पेरी ने किया है इस सीरीज में क्रिस्टल स्टीवर्थ और टेलर पोलिडोर विलियम्स दो अलग अलग जीवन जीने वाली महिलाओं की भूमिका में है आठ एपिसोड की ड्रामा सीरीज का प्रीमियर 24 अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर हुए आधार एक युवा स्त्री पर का जीवन अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब उसकी मुलाकात एक शक्तिशाली धनी तथापि बहुत ही अव्यवस्थित परिवार से होती है जो कॉस्मेटिक साम्राज्य और एक कुटिल तस्करी योजना के पीछे है कलाकार और पात्र मुख्य किम्मी के रूप में टेलर पोलिडोर विलियम्स क्रिस्टल स्टीवर्थ मैलोरी के रूप में एम्बर रेन स्मिथ्स रेन के रूप में रिको रॉस होरेस डेब्बी मोर्गन ओलिविया रिचर्ड लॉसन नॉर्मन के रूप में स्टीवन जी नोरफ्लीथ चार्ल्स, जूलियन होर्टन रॉय के रूप में टेरेल कार्टर वर्नी के रूप में पुनरावर्ती डीकिया एंडरसन लेस्ली के रूप में शैनन वालेस केल्विन, ब्रायन तनाका ऑफिसर एलेक्स जोए रोवारिस गिलियन के रूप में जेवियर स्मल्स एंजेल के रूप में चार्ल्स मलिक व्रिटफील्ड जूल्स के रूप में तामेरा टी किसेन बोडी के रूप में उर्सुला ओ रोबिन्सन डेलिंडा के रूप में एशले वर्शर लीना के रूप में जॉर्ज मिडलब्रुक ऑफिसर ट्रैक्सन के रूप में टीएस मेडिसन डागा के रूप में एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल प्रसारण तिथि तीन एक रो दो टाइलर पेरी नाशपाती की मदिरा चौबीस अक्टूबर दो पर के रूप में जीवन से बाहर निकलने और एक गंभीर ऋण का भुगतान करने की कोशिश कर रही एक युवा महिला किम्मी शक्तिशाली बेलेयर परिवार द्वारा स्थापित एक प्रतिष्ठित हेयर स्कूल में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करती है दो पिताजी के साथ नृति टाइलर पेरी नाशपाती की मदिरा चौबीस अक्टूबर दो बीबीएल में असफलता के बाद किम्मी किम्मी की मदद करने के आदेशों की अवहेलना करती है और एक गुप्त किंतु शक्तिशाली ग्राहक के साथ समझौता करती है तीन बाद टाइलर पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024 किम्मी कई ऐसे विकल्प चुनती है जो खतरनाक परिणामों की ओर ले जाते हैं हिटन में पीड़ित की पहचान उजागर होने के साथ ही बेलेयर के बीच तनाव बढ़ने लगता है चार परिवार के साथ टाइलर पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024 ओलिविया अपने बेटों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाती है एंजेल किम्मी के पास एक सासी प्रस्ताव लेकर आता है जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है मेलोरी अपने विकल्पों पर विचार करती है पांक धागे खोलना टाइलर पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024। एंजेल की दुनिया हिल जाने के बाद किम्मी अपने विचार पर पुनर्विचार करता है झूल्स परिवार की बागडोर संभालता है मुश्किल विकल्प का सामना करने पर नॉर्मन का संदेह बढ़ता है छह बैंक बैंक पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024 रोए रॉय का अहंकार नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है क्योंकि मैलोरी उसकी दूसरी महिला की तलाश में है किम्मी और एंजेल इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हैं नॉर्मन का दुख खूनी मोड़ लेता है साथ बुरा खेल का मैदान पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024 रॉय से तंग आकर मैलोरी मामले को अपने हाथों में ले लेती है नॉर्मन जब सच्चाई जानने की कोशिश करता है तो एक जाना फचाना चेहरा सामने आता है किम्मी और एंजेल आगे बढ़ते हैं। आठ कर्म का नाश पेरी नाशपाती की मदिरा 24 अक्टूबर 2024। जब होरेस डकैती के पीछे के बिंदुओं को जोड़ता है मैलोरी अपना प्रभुत्व स्थापित करती है तथा किम्मी अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है तो योजनाएं और रहस्य पूर्ण रूप से सामने आ जाते हैं उत्पादन अक्टूबर 2023 में टाइलर पेरी ने नेटफ्लिक्स के साथ बहुवर्षीय फर्स्टलुक डील पर हस्ताक्षर किए आचार बारह फरवरी 2024 को यह बताया गया कि नेटफ्लिक्स ने डील के तहत स्ट्रीमिंग सेवा के लिए अपनी पहली श्रृंखला 16 एपिसोड की ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक का ऑर्डर दिया है एक अप्रैल 2024 में टेलर पोलिडोर विलियम्स और क्रिस्टल स्टीवर्ट के साथ कलाकारों की घोषणा की गई एम्बर एन स्मिथ्स रिको रॉस डेबी मॉर्गन रिचर्ड लॉसन स्टीवन जी नोरफ्लीथ जूलियन होटन और टेरेल कार्टर नियमित रूप से पांक शैनन वालेस ब्रायन तनाका जॉय रोवरिस जेवियर स्मॉल्स चार्लस मलिक वरिथफील्ड तामेरा ती किशन उर्सुला रॉबिनसन एशले वर्शर और जॉर्ज मिडलब्रुक को एक आवर्ती भूमिकाओं में लिया गए कई सालों बाद फिल्म प्रेशियस देखने के बाद पेरी पहली बार यह खुलासा करने के लिए प्रेरित हुए कि 10 साल की उम्र में उनके एक दोस्त की मां ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी सोलह इससे पहले भी तीन पुरुषों ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी और बाद में उन्हें पता चला कि उनके अपने पिता ने उनके दोस्त के साथ छेड़छाड़ की थी सत्रह पेरी द्वारा लिए गए डीएनए परीक्षण से संकेत मिला कि एमित सीनियर पेरी के जैविक पिता नहीं छाये पेरी ने हाई स्कूल पूरा नहीं किया लेकिन उन्होंने जनरल एजुकेशनल डेवलपमेंट जीईडी की डिग्री हासिल की उन्नीस अपने शुरुआती बीस के दशक में द ओपरा विनफ्रेशो का एक एपिसोड देखते हुए उन्होंने किसी को कभी कभी लिखने के कार्य के चिकित्सीय प्रभाव का वर्णन करते हुए सुना जिससे लेखक को अपनी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है इस टिप्पणी ने उन्हें लेखन में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किए उन्होंने जल्द ही खुद को पत्रों की एक श्रृंखला लिखना शुरू कर दिया जो संगीत में आई नो आई बीन चेंज का आधार बन गए बीस आजीविका अवस्था उन्नीस के आसपास पेरी अटलांटा चले गए जहाँ दो साल बाद आई नो आई एफ बीन चेंज्र को पहली बार एक सामुदायिक थिएटर में प्रदर्शित किया गया जिसका वित्तपोषण 22 वर्षीय पेरी की जीवन भर की बचत 12,000 हजार यूएस डॉलर 2023 में सत्ताईस हजार नौ सौ छियासी डॉलर के बराबर से किया गया था इक्कीस नाटक में क्षमा सम्मान और आत्ममूल्य के ईसाई विषयों को शामिल किया गया था जबकि बाल शोषण और बेकार परिवारों जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया था संगीत में कुछ शुरू में कम से कम तारकी स्वागत मिला और यह एक वित्तीय विफलता थी बाईस पेरी ने दृढ़ता दिखाई और अगले छह वर्षों में उन्होंने बार बार संगीत को फिर से लिखा हालांकि समीक्षाएं निराशाजनक रही उन्नीस में 28 वर्ष की आयु में वह नाटक को फिर से तैयार करने और अटलांटा में इसे फिर से मंचित करने में सफल रहे पहले हाउस ऑफ ब्लूज में फिर फॉक्स थिएटर में पेरी ने नए स्टेज प्रोडक्शन बनाना जारी रखा उनके साथ तथाक्थित चिटलिन सर्किट पर दौरा किया जिसे अब शहरी थिएटर सर्किट एक के रूप में भी जाना जाता है और अफ्रीकी अमेरिकी दर्शकों के बीच एक बड़ा समर्पित अनुसरण विकसित किए 2005 में फोर्ड्स ने बताया कि उन्होंने 100 मिलियन डॉलर से अधिक टिकट अपने शो के वीडियो में 30 मिलियन डॉलर और अनुमानित 20 मिलियन डॉलर का माल बेचा और हर साल उनके द्वारा निर्मित तीन लाइव शो में औस्तन पैंतीस लोग एक सप्ताह में भाग लेते हैं इक्कीस पतली परत पेरी ने अपनी पहली फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन के लिए फंड जुटाने के लिए अपने स्टेज प्रोडक्शन की टिकट बिक्री से पांच दशमलव पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर का बजट जुटाया तेईस जिसने घरेलू स्तर पर पचास दशमलव छह मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की जबकि फिल्म समीक्षा वेबसाइट रॉटन तोमातोस पर सोलह परसेंट अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की चौबीस पेरी ने अपनी अगली फिल्म मेडियो फैमिली रियूनियन के रूपांतरण से निर्देशन की शुरुआत की और अपनी सभी बात की मीडिया फिल्मों का निर्देशन किया है अपने शुरुआती सप्ताहांत में 24 से 26 फरवरी 2006 को मेडियाज फैमिली रियूनियन ने बॉक्स ऑफिस पर 30.3 मिलियन डॉलर के साथ नंबर एक स्थान पर शुरुआत की फिल्म ने अंत 60 मिलियन डॉलर की कमाई की पेरी और उनके सहकलाकारों ने दा विफ्रेशो पेरी की अगली लाइन्स परियोजना डैडीज लिटिल गर्ल्स में गैब्रियल यूनियन और इदरी सेल्बा ने अभिनय किया और यह चौदह फरवरी 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई इसने इकतीस यूएस डॉलर मिलियन से अधिक की कमाई की छब्बीस पेरी ने अपनी अगली फिल्म वहाई डिड आई गेट मैरिड लिखी निर्देशित निर्मित और अभिनय किया जो 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज हुई यह उस सप्ताहांत यूज इक्कीस मिलियन की कमाई करते हुए नंबर एक पर खुली यह मोटे तौर पर उनके इसी नाम के नाटक पर आधारित है फिल्मांकन पांच मार्च 2007 को वहस्लर ब्रिटिश कोलंबिया में शुरू हुआ जो वैंकूवर के उत्तर में एक रिसोर्ट शहर है फिर अटलांटा ले जाया गया जहां पेरी ने अपना स्टूडियो खोला था जेनेट जैक्सन शेरोन लील जिल स्कॉट और ताशा स्मिथ फिल्म में दिखाई दिए सत्ताईस द दे फैमिली दैट प्रीज 12 सितंबर 2008 को रिलीज हुई और इसने सैंतीस मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की अट्ठाईस मीडिया गोस्ट टू जेल 20 फरवरी 2009 को नंबर एक पर खुली जिसने 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई यह पेरी की लायं एंटरटेनमेंट के साथ सातवीं फिल्म थी निर्देशक जे जे अब्राम्स के अनुरोध पर 29 2009 नौ में भी पेरी ने स्टार थ्रेक में स्टारफ्लेथ अकादमी कमांडेंट एडमिरल बार्नेट के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई जो आठ मई को खुल यह उनकी अपनी परियोजनाओं के बाहर पहली फ़िल्म उपस्थिति थी पेरी ने अगली बार आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ दो लिखी निर्देशित की और उसमें अभिनय किया यह फिल्म उनके मीडिया चरित्र क यह पेरी की आठवीं फिल्म थी और इसने भी बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक स्थान हासिल किए अतीस 2 अप्रैल 2010 को सिनेमाग्रोह में प्रदर्शित हुई इसमें जेनेट जैक्सन ताशा स्मिथ्स जिल स्कॉट और मलिक योबा ने अभिनय किए फिल्म ने घरेलू स्तर पर 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की जिसमें शुरुआती सप्ताहांत में उनतीस मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई बत्तीस पेरी बयासीवे अकादमी पुरस्कार समारोह दो में पेरी ने नटोजेक शांगे की 1975 की कोरियोपोम फोर कलर्ड ग रेनबो इज एनएफ का फिल्म रूपांतरण निर्देशित किया जो पांच नवंबर 2010 को में रिलीज हुई तैतीस वे स्टेज शो मेडियाज बिग हैप्पी फैमिली में दिखाई दिए जो एक स्टेज प्ले के रूप में अमेरिका में घूमा और दो में एक फिल्म के रूप में रिलीज किया गया जिसे पेरी ने लिखा निर्देशित और अभिनीत किए मेडियाज बिग हैप्पी फैमिली के फिल्म संस्करण ने बॉक्स ऑफिस पर 25.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की जो दूसरे स्थान पर रही कॉन्टीस लॉयसगेट के साथ पेरी की अगली फिल्म गुड डीड्स थी जिसमें पेरी मुख्य किरदार वेस्ली डीड्स की भूमिका में है गुड डीरस एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे पेरी ने लिखा निर्देशित और अभिनीत किया है यह फिल्म 24 फरवरी 2012 को रिलीज हुई थी यह उन ग्यारह फिल्मों में से दसवीं है जिनका निर्देशन और जिनमें पेरी ने अभिनय किया है फिल्म को रिव्यू एग्रीगेटर रोटन टोमाटोज द्वारा उनतीस परसेंट रेटिंग मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर यूज पन्द्रह डॉट पांट मिलियन की कमाई की पैंतीस फिल्म में थांडी न्यूटन रेबेका रोमिजन गैब्रियल यूनियन एडी सिब्रियन जेमी कैनेडी फिलिसिया रशद और अन्य भी है छत्तीस जून दो तक पेरी की फिल्मों ने दुनिया भर में पांच मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की थी सैंतीस पेरी की मीडिया विटनेस प्रोटेक्शन मीडिया फ्रेंचाइजी के भीतर उनकी सातवीं फिल्म 29 जून 2012 को रिलीज हुई थी टाइलर पेरी जन्म एमित पेरी जूनियर 13 सितंबर उन्नीस एक एक अमेरिकी अभिनेता फ़िल्म निर्माता और नाटककार ए वह एक सख्त बुजुर्ग महिला माबेल मैडिया सिमंस के निर्माता और कलाकार ए और उनके भाई जो सिमंस और उनके भतीजे ब्रायन सिमंस का भी किरदार निभाते हैं दो और तीन चार पेरी की फ़िल्में रूढ़ीवादी फ़िल्म निर्माण तकनीकों से लेकर लाइव स्टेज नाटकों के फ़िल्माए गए निर्माणों तक की शैली में भिन्न है जिनमें से कई को बाद में फ़ीचर फ़िल्मों में रूपांतरित किया गया है मैडिया की पहली उपस्थिति पेरी के नाटक आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ उन्नीस में थी जिसका मंचन शिकागो में हुआ था पेरी ने 1990 के दशक और 2000 के दशक के प्रारंभ में कई मंचीय नाटक लिखे और उनका निर्माण किए उनका सफल प्रदर्शन दो में फिल्म डायरी ऑफ ए मेड ब्लैक वुमन के साथ आया जिसे उन्होंने इसी नाम के अपने मंचीय नाटक के रूपांतर के रूप में लिखा और निर्मित किया था उन्होंने कई टेलीविजन श्रृंखलाएं भी विकसित की विशेष रूप से टाइल पेरी का हाउस ऑफ पेन जो 2006 से 2012 तक टीबीएस पर आठ सीजन तक चला 2011 में फोर्ब्स ने उन्हें मनोरंजन में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया जिसने मई 2010 और मई 2011 के बीच 130 मिलियन डॉलर कमाए पांच दो में पेरी ने ओपरा विनफ्रे और उनके ओपरा विनफ्रे नेटवर्क ओन के साथ एक विशेष वर्षीय साहेदारी की अपने खुद के प्रोडक्शन के अलावा पेरी को कई हॉलीवुड फिल्मों में कास्ट किया गया है जिनमें स्टार ट्रेक 2009, एलेक्स क्रॉस 2012, हजार बारह गॉन गर्ल दो हजार चौदह एज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, आउट ऑफ द शेडोज दो हजार सोलह वॉइस दो हजार अठारह दोज हु विश मी डेड दो हजार इक्कीस और डोंट लुक अप दो हजार इक्कीस शामिल है पेरी ने द स्टार दो हजार सत्रह और द मूवी 2021 जैसी एनिमेटेड फिल्मों के लिए वॉयस एक्टिंग भी की है पेरी की फिल्मों और शो ने कुल मिलाकर 660 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है और उनकी कुल संपत्ति अनुमानित एक बिलियन डॉलर है साथ व्यावसायिक सफलता के बावजूद उनके प्रोडक्शंस को आलोचकों और विद्वानों से आलोचना मिली है जो मानते हैं कि उनकी फिल्में अफ्रीकी अमेरिकियों के नकारात्मक या आपत्तिजनक चित्रण को बढ़ावा देती है साथ ही आलोचनात्मक स्वागत भी काफी हद तक नकारात्मक है आठ नौ दस दो हजार बीस में पेरी को टाइम की एक सौ सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया ग्यारह और उन्हें एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज से गवर्नर अवार्ड मिला इसके अतिरिक्त उन्हें दो में अकादमी पुरस्कारों से जीन हर्षोल्थ मानवतावादी पुरस्कार मिला और अगले वर्ष ब्लैक म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट वॉक ऑफ फेम में शामिल किया गए बारह प्रारंभिक जीवन टाइलर पेरी का जन्म लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस में एमित पेरी जूनियर के रूप में हुआ था उनके पिता विली मैक्सिन पेरी नी कैंपबेल और माता एमित पेरी सीनियर एक बड़ी था तेरह उनके तीन भाई बहन हैं चौदह पेरी के बचपन को पूर्वव्यापी रूप से जीवित नरक के रूप में वर्णित किया गया था पन्द्रह अपने पिता के विपरीत उनकी मां उन्हें हर हफ्ते चर्च ले जाती थीं जहां उन्हें एक निश्चित शरण और संतोष का एहसास होता था पंद्रह, सोलह साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता से दूरी बनाने के प्रयास में कानूनी तौर पर अपना पहला नाम एमित से टायलर में बदल लिया था एक। पेरी ने श्रृंखला की एक नई फिल्म के लिए मोर्गन फ्रीमैन से जेम्स पैटरसन के एलेक्स क्रॉस की भूमिका संभाली जिसका शीर्षक एलेक्स क्रॉस था अड़तीस उन्नीस अक्टूबर दो को खुली यह फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा खराब कर दी गई रोटन टोमाटो स्कोर क्रमश ग सैंतालीस परसेंट सकारात्मक थे और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गयी उनतालीस उनके प्रदर्शन ने निर्देशक डेविड फिंचर का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने बाद में पेरी को 2014 की थ्रिलर गॉन गर्ल में कास्ट किया जिसमें उनके साथ बेने फ्लेक रोजामुन पाइक और नील पैट्रिक हैरिस थे पेरी ने अपनी तेरहवीं फिल्म टेम्पटेशन कन्फेशंस ऑफ ए मैरिज काउंसलर उसी नाम के उनके 2008 के नाटक पर आधारित को 29 मार्च 2013 को रिलीज किए फिल्म में लांवस क्रॉस जुर्नी स्मोलेथ ब्रांडी नोरवुड रॉबी जोन्स हेल, विलियम्स और किम कार्दर्शियन ने अभिनय किया है उन्होंने टायलर पेरी प्रेजेंस पीपल्स का निर्माण किया जो दस मई दो को रिलीज हुई चालीस वह तेरह दिसंबर दो को रिलीज हुई ए मैडी क्रिसमस के साथ बड़े पर्दे पर लौटें इकतालीस पेरी ने फिल्म द सिंगल मॉम्स क्लब का निर्देशन किया जो 14 मार्च 2014 को खुली उनकी पहली एनिमेटेड फिल्म मेडी स्टफ लव 20 जनवरी 2015 को डीवीडी पर रिलीज हुई बयालीस जनवरी 2016 के मध्य में पेरी ने अपनी सत्रहवीं फिल्म और मीडिया फ्रेंचाइजी की नेवी फिल्म बू ए मीडिया एलोविन की शूटिंग शुरू की यह फिल्म 21 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई एक सीक्वल बूदो ए मेडिया एलोवीन अक्टूबर 2017 में रिलीज हुई थी पेरी ने ओपरा विन्फ्रे के साथ द स्टार नामक अपनी पहली एनिमेटेड फिल्म में अपनी आवाज दी जो कि जीसस की जन्मभूमि पर आधारित है सोनी पिक्चर्स एनिमेशन द्वारा विकसित यह फिल्म 17 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी तैंतालीस फिल्म साहेदारी और वितरण पेरी की फिल्मों का सहनिर्माण और वितरण लायंस गेट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता है वह कॉरपोरेट नाम टाइलर पेरी फिल्म के तहत पूर्ण कॉपीराइट स्वामित्व रखता है और सभी शीर्षकों के सामने अपना नाम रखता है चवालीस पेरी की फिल्मों को उत्तरी अमेरिका के बाहर बहुत सीमित रिलीज मिली है लेकिन मई 2010 में लायंस गेट ने यूनाइटेड किंगडम में उनकी फिल्मों को रिलीज करने की योजना की घोषणा की पैंतालीस टेलीविजन कार्यक्रम पेरी ने लंबे समय से चलने वाले सिटकॉम टायलर पेरीज हाउस ऑफ पेन का निर्माण किया जो 21 जून 2006 से 10 अगस्त 2012 तक आठ सीजन तक चला श्रृंखला तीन पीढ़ियों के एक अफ्रीकी अमेरिकी परिवार का अनुसरण करती है शो ने परिवार के सदस्यों के विश्वास और प्रेम के साथ गंभीर सच्चे जीवन के संघर्षों को प्रदर्शित किए शो दो के वसंत में दस शो के पायलट के रूप में चला सफल पायलट रन के बाद पेरी ने टीबीएस के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर 100 एपिसोड का सौदा किए 6 जून 2007 को टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन के पहले दो एपिसोड टीबीएस पर चले। उच्च रेटिंग प्राप्त करने के बाद हाउस ऑफ पेन ने प्रसारण सिंडिकेशन में प्रवेश किए पेरी ने सिटकॉम मीट द ब्राउन्स का लेखन निर्देशन और निर्माण भी किया जिसका प्रीमियर सात जनवरी दो को टीबीएस पर हुआ और अठारह नवम्बर दो को समाप्त हुआ छियालीस ओन और ओपरा के साथ साझेदारी 2009 में पेरी ने ओपरा विन्फ्रे और ली डेनियल के साथ मिलकर प्रीशियस सेफायर के उपन्यास पुश पर आधारित फिल्म का सहनिर्माण किए इस फिल्म का निर्देशन डेनियल ने किया था और इसमें गैबोरे सिदीबे और मोनिक ने अभिनय किया था फिल्म का प्रचार करते समय ओपरा ने एक साक्षात्कारकर्ता से कहा मुझे लगता है कि पेरी मजबूत अश्वेत महिलाओं द्वारा बड़ा हुआ है और वह जो कुछ भी करता है वह वास्तव में उसी का जश्न मनाने के लिए होता है मुझे लगता है कि मीडिया वास्तव में यही है उन सभी मजबूत अश्वेत महिलाओं का संकलन जिन्हें मैं जानता हूं और शायद आप भी जानते हैं और इसलिए यह काम करता है क्योंकि लोग खुद को देखते हैं सैतालीस 2 अक्टूबर 2012 को पेरी ने ओपरा विन्फ्रे और उनके ओपरा विन्फ्रे नेटवर्क ओन के साथ एक विशेष बहुवर्षीय साहेदारी की यह साझेदारी मुख्य रूप से स्क्रिप्टेड टेलीविजन को ओन में लाने के उद्देश्य से थी पेरी को इस विभाग में पहले भी सफलता मिली थी छाइलर पेरी की फोर बेटर और वर्से उनकी फिल्म व्राई डिड आई गेट मैरिड और व्राई डिड आई गेट मैरिड टू पर आधारित 25 नवंबर 2011 को टीबीएस पर प्रीमियर हुई श्रृंखला को फरवरी 2013 में टीबीएस द्वारा रद्द कर दिया गया था लेकिन तीसरे सीजन के लिए ओडब्ल्यूएन द्वारा पुनर्जीवित किया गया था जो 18 सितंबर 2013 को शुरू हुआ था अड़तालीस पेरी की ओन पर प्रदर्शित दो अन्य टेलीविजन सीरीज थी घंटे भर का सोप ओपेरा बटा ड्रामा सीरीज द एर्स एंड द एव नॉट्स और सिटकॉम कॉम लव था द एर्स एंड द एव नॉट्स का प्रीमियर 28 मई 2013 को हुआ और इसने आठ सीजन के बाद 20 जुलाई 2021 को अपनी सीरीज का रन पूरा किए पचास इस कार्यक्रम को ओपरा विन्फ्रे ने अपने नेटवर्क में सफलता लाने का श्रेय दिया और उनके लिए कई अन्य उच्च श्रेणी के ड्रामा के लिए, लिए दरवाजे खोले अपनी सीरीज के दौरान द द एंड ओन प्रसारण स्टेशन के लिए कई नीलसन रेटिंग हाई हासिल की दो नौ मई 2013 को बताया गया कि द द की दोथ्स ने ओन के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया तिरपन दॉस ने ओन को आठ साल की श्रृंखला के दौरान अपनी कुछ उच्चतम रेटिंग दी चेवन कार्यक्रम को उनकी की सबसे बड़ी सफलता की कहानियों में से एक के रूप में सराहा गया जिसमें साबुन के मजे की साप्ताहिक खुराक विशिष्ट विश्वासघात प्रेम संबंधों और चालाकी से भरी हुई थी पटपन इसके विपरीत लव थी नेबर को रेटिंग में संघर्ष करना पर नॉट्स अपने अधिकांश समय तक नेटवर्क का सर्वोच्च रेटेड कार्यक्रम रहा छप्पन सत्तावन चार फरवरी 2014 को द एव एंड नॉट्स रात के लिए केबल टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम के रूप में सामने आए अठावन ग्यारह मार्च दो हजार चौदह को एवस एंड नॉट्स सीजन दो के एपिसोड ने एक ओन रिकॉर्ड बनाया जब इसने नेटवर्क के इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग हासिल की रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस एपिसोड ने तीन दशमलव छह मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया जो बॉबी क्रिस्टीना के साथ ओपरा के नेक्स्ट चैप्टर के साक्षात्कार के लिए तीन दशमलव पांच मिलियन से आगे निकल गया जो नेटवर्क का पिछला उच्चतम रेटेड व्यूइंग था थ नौ जनवरी 2014 को पेरी की ओन के साथ निरंतर साहेदारी के हिस्से के रूप में नेटवर्क ने फीचर फिल्म द सिंगल मॉम्स क्लब पर आधारित अपनी चौथी स्क्रिप्टेड सीरियो और पेरी द्वारा चौथी सीरियो का आदेश दिया जिसका नाम इफ लविंग यू इज रॉन्ग था घंटे भर की ड्रामा सीरीज का प्रीमियर 9 सितंबर 2014। हजार चौदह द बूनडॉक्स और अटलांटा पेरी को द बूनडॉक्स एपिसोड पॉज में मजाकिया अंदाज में पेश किया गया था विंस्टन जेरोम का किरदार पेरी की पैरोडी है। एपिसोड में जेरोम का किरदार मा ड्यूक्स है जिसे वह क्रॉस रेसिंग के जरिए चित्रित करता है जो पेरी के मैडिया के समान है छिहत्तर लॉस एंजल्स टाइम्स के ग्रेग ब्रेक्सटन ने पॉज को पेरी की सबसे तीथी सार्वजनिक आलोचनाओं में से एक बताए इस एपिसोड ने कथित तौर पर पेरी को नाराज कर दिया जिन्होंने टर्नर ब्रॉडकास्टिंग के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने की धमकी दी जिसकी उस समय नेटवर्क टीबीएस पर दो सीरीज थीं टाइलर पेरीज हाउस ऑफ पेन और मीथ द ब्राउन्स एपिसोड को प्रचलन से हटा दिया गए गया डोनाल्ड ग्लोवर ने कथित तौर पर एफेक्स सीरीज अटलांटा में पेरी पर निशाना साधा था एपिसोड का शीर्षक वर्क एथिक एक ट्वीट से आया है जिसमें पेरी ने उस सीजन के लिए लिखी गई सभी स्क्रिप्ट का एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका शीर्षक था वर के थिक चो चल, दो को प्राप्त करें एपिसोड में एक महिला और उसकी बेटी एक निजी और रहस्यमय व्यक्ति द्वारा संचालित एक टीवी स्टूडियो में पहुंचती है जिसे मिस्टर चॉकलेट के नाम से जाना जाता है माई को जल्द ही डर लगता है कि उसकी बेटी का मिस्टर चॉकलेट द्वारा शोषण किया जा सकता है दर्शकों और आलोचकों ने जल्दी ही यह निष्कर्ष निकाला कि यह एपिसोड पेरी और अटलांटा में उनके स्टूडियो चलाने के तरीके का व्यंग्य कर रहा था अठहत्तर उनासी वल्चर के इलेफे ओकंटाह ने अपनी समीक्षा लिखी अटलांटा में पेरी के अपने 330 एकड़ के स्टूडियो की तरह मिस्टर चॉकलेट स्टूडियो कई साउंड स्टेज और ऑफिस स्पेस के साथ एक विशाल जगह है और आगे कहा अटलांटा और पेरी के कई आलोचक हमसे दो सवाल पूछते हैं क्या हम अश्वेत लोगों को हर उस चीज का समर्थन करना चाहिए जो काली है और क्या पेरी का हमारा उथला चित्रण अच्छे से ज्यादा नुकसान करता है अस्सी लेखकों के लिए कमरों की कमी 6 जनवरी 2020 को पेरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वे अपनी फिल्मों और टीवी शो के लिए राइटर्स रूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपना काम खुद लिखना पसंद करते हैं इक्यासी पेरी को उभरते हुए अश्वेत लेखकों को, को अवसर न देने के लिए कई आउटलेट और मनोरंजन जगत की हस्तियों से आलोचना मिली उस महीने के अंत में पेरी ने एक साक्षात्कार में जवाब दिया कि उन्होंने डब्ल्यूजीए लेखकों और गैरसंक लेखकों दोनों के साथ काम करते समय समस्याओं का अनुभव किया था उनका दावा है कि डब्ल्यूजीए लेखक ऐसी स्क्रिप्ट प्रस्तुत करते थे जिन्हें कई बार भुगतान पाने के लिए फिर से लिखना पड़ता था उन्होंने यह भी कहा कि गैरसंक लेखकों ने गुणवत्ता के उनके मानकों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया और वे उनके द्वारा लिखी गई हर एक स्क्रिप्ट से नाखुश थे क्योंकि वे आवाज़ से बात नहीं कर रहे थे बैसी टाइलर पेरी के लिए समर्थन द ग्रियो और एमएसएनबीसी के गोल्डी टेलर ने 21 अप्रैल 2011 को एनपीआर और थिंग्स कंसिडर्ड साक्षात्कार में पेरी के लक्षित दर्शकों के बारे में कहा मुझे नहीं लगता कि टायलर पेरी टूरे से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वह मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वह सीधे मेरी माँ मेरी बहन मेरे चचेरे भाई बहनों से बात कर रहे हैं और उनकी जरूरत के समय उनसे मिल रहे हैं और यही कला और फिल्म निर्माण है अपने हफिंगटन पोस्ट संपादकीय में समाजशास्त्री शाइनली शाइन ली ने पेरी को आज के सबसे नवीन फिल्म निर्माताओं की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है कौरासी व्यक्तिगत जीवन पेरी जेनेट जैक्सन विल स्मिथ्स और ओपरा विन्फ्रे की अच्छी दोस्त है पचासी, पेरी एक ईसाई है छियासी उनके काम के कई विषय धर्मशास्त्र और सामाजिक व्यवहार को दर्शाते हैं जो मुख्य रूप से काले चर्च संस्कृति का संकेत देते हैं जैसे कि उनके मंच और स्क्रीन दोनों कामों में कई दृश्य जो चर्च की सेटिंग और पूजा शैलियों को दिखाते हैं जो आमतौर पर मुख्य रूप से अफ़्रीकी अमेरिकी चर्चों में पाए जाते हैं जिसमें सुषमाचार संगीत और कलाकारों के शोकेस शामिल है सत्तासी बीस 20 जुलाई दो को पेरी ने फिलाडेल्फिया डे कैंप के पैंसठ बच्चों को वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए प्रायोजित किया यह पढ़ने के बाद की एक उपनगरीय तैराकी क्लब हंटिंगन वैली पेंसिल्वेनिया में वैली स्विम क्लब ने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था अट्ठासी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा मैं चाहता हूं कि वे जाने कि हर बुरे काम के लिए जो कुछ लोग आपके खिलाफ करेंगे ऐसे लाखों लोग हैं जो उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे नवासी आठ दिसंबर 2009 को पेरी की मानविली मैक्सिन पेरी का कौसत साल की उम्र में बीमारी के बाद निधन हो गए नब्बे इक्यानवे वह साउथवेस्ट अटलांटा में रहते हैं और काम करते जहां वह टाइलर पेरी फिल्म और टीवी स्टूडियो संचालित करते हैं बानवे अगस्त 2010 में यह बताया गया कि उन्होंने जॉन्स क्रीक के अटलांटा उपनगर में अट्ठावन एकड़ तेईस हेक्टेयर की संपत्ति डीन गार्डन खरीदी थी उन्होंने मौजूदा बत्तीस हज़ार वर्ग फुट तीन हज़ार मीटर दो की हवेली को गिरा दिया और संपत्ति पर एक नया पर्यावरण के अनुकूल घर बनाने की योजना बनाई लेकिन कभी नहीं बनाए तिरानवे कौरानवे तीस नवंबर 2014 को पेरी की पार्टनर गेलीला बेकेले ने उनके बेटे अमन को जन्म दिए पचानवे छियानवे दिसंबर 2020 में पेरी ने घोषणा की कि वह सिंगल बैचलर है सत्तानवे सात मार्च 2021 को प्रिंस एरी ड्यूक ऑफ ससेक्स और मेघन दचेस ऑफ ससेक्स ने ओपरा विद मेघन एंड डेरी नामक टेलीविजन साक्षात्कार में सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि पेरी ने तीन महीने के लिए प्रारंभिक सुरक्षा और आवास प्रदान किया जिससे दंपति को मार्च 2020 में अपने ब्रिटिश शाही संरक्षण के वापस लेने के बाद सुरक्षित रूप से कनाडा से कैलिफोर्निया स्थानांतरित होने की अनुमति मिल अट्ठानवे निन्यानवे पेरी उनकी बेटी ससेक्स की राजकुमारी लिलिबेथ के गॉडफादर भी है एक सौ स्टीफन ट्विच बॉस की मौत के बाद पेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने अवसाद के साथ अपने संघर्ष के बारे में बात की और खुलासा किया कि अपने करियर को आगे बयाने से पहले उन्होंने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था एक सौ एक उड़ान के अपने डर पर काबू पाने के लिए पेरी ने उड़ान प्रशिक्षण लिया और एक निजी पायलट प्रमाण पत्र प्राप्त किए वह एक सिरस एसार टी विमान उड़ाता है एक सौ दो संपत्ति दो हजार सात में पेरी ने अटलांटा के बखेड के पेस पड़ोस में सत्रह एकड़ सात हेक्टेयर की संपत्ति 103 खरीदी 104, 105 मई 2016 में उन्होंने घर को सत्रह दशमलव पांच मिलियन डॉलर में बेच दिया जो जॉर्जिया की राजधानी में एक निजी घर के लिए अब तक का सबसे बड़ा सौदा भी था एक सौ में उनकी कंपनी ईटीपीसी e एल ने जॉर्जिया के डगलस काउंटी के न्यू मैनचेस्टर, जॉर्जिया क्षेत्र में लगभग 1,100 एकड़ 4.5 किलोमीटर दो खरीदा एक सौ सात सितंबर दो में पेरी ने लॉस एंजल्स में एक गेटेड समुदाय मुल्होलैंड एस्टेट्स में एक घर खरीद 108 एक सौ आठ संपत्ति खरीदने के नौ महीने बाद पेरी ने संपत्ति पन्द्रह दशमलव छह मिलियन डॉलर में बेच दी एक सौ नौ पेरी के पास व्योमिंग और बहामास दोनों में अवकाश संपत्तियां हैं 110 पेरी के पास जॉर्जिया के डगसविले में 2,100 एकड़ 8.5 किलोमीटर दो की संपत्ति है जिसमें 40,000 वर्ग फुट 3,700 मीटर दो का शेटोएस घर और एक हवाई पट्टी शामिल है टाइलर पेरी स्टूडियोज मुख्य लेख टाइलर पेरी स्टूडियोज 2015 में पेरी ने अटलांटा में स्थित 330 एकड़ 130 हेक्टेयर के पूर्व सैन्य बेस फोर्ट मैकफर्सन का अधिग्रहण किया जिसे उन्होंने स्टूडियो में बदल दिए उनसठ स्टूडियो का उपयोग एचबीओ फिल्म ओडब्ल्यूएन एन फिल्म संस्करण द इमोर्टल लाइफ ऑफ हेनरी टेल के फिल्मांकन के लिए किया गया था और वर्तमान में टेलीविजन श्रृंखला द दे वॉकिंग डेड के लिए उपयोग में है उनसठ साठ साइट के पचास हजार वर्ग फुट चार हजार छह सौ मीटर दो स्थायी सेटों के लिए समर्पित है जिसमें एक लग्जरी होटल लॉबी की प्रतिकृति वाइट हाउस प्रतिकृति सोलह हजार वर्ग फुट एक हजार पांच सौ मीटर दो हवेली एक नकली सस्ता होटल ट्रेलर पार्क सेत और एक वास्तविक उन्नीस के दशक की शैली का भोजनशाला यह मनोरंजन उद्योग में अत्यधिक सफल अफ्रीकी अमेरिकियों के नाम पर बारह ध्वनि चरणों की मेजबानी भी करता है साठ ब्लॉक मार्वल फिल्म ब्लैक पैंथर टाइलर पेरी स्टूडियो में नए चरणों में से एक पर फिल्माया जाने वाला पहला था जैसा कि पेरी ने 19 फरवरी 2018 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर व्यक्तिगत रूप से घोषित किया था इकसठ टाइलर पेरी स्टूडियो देश के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो में से एक है और इसने पेरी को टिम और डेफने रीड के बाद एक प्रमुख फिल्म स्टूडियो का मालिक बनने वाले दूसरे अफ्रीकी अमेरिकी के रूप में स्थापित किए बासठ तिरसठ वायाकम सीबीएस 14 जून 2017 को पेरी ने 90 एपिसोड सालाना ओरिजिनल ड्रामा और कॉमेडी सीरीज के लिए वायकॉम अब वाइकॉम सीबीएस के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए वाइकॉम के पास शॉर्ट वीडियो कंटेंट और फिल्म कॉन्सेप्ट पर पहली नजर के वितरण अधिकार भी होंगे इस सौदे से पहली फिल्म नोबडियो फूल थी टीवी डील 2019 की शुरुआत में द ओवल सिस्तास और बीईटी प्लस एक नई स्ट्रीमिंग सेवा के प्रीमियर के साथ हुई जिसमें बीईटी की रेटिंग बहुत अच्छी रही कॉन्सेक पुस्तके 2006 में एक पुस्तक पर हस्ताक्षर करते हुए पेरी पेरी की पहली किताब डोंट मेक अ ब्लैक वुमन टेक ऑफ हर इयरिंग्स मेरी आज अनहिबिटेड कमेंट्रीज ऑन लव एंड लाइफ 11 अप्रैल 2006 को प्रकाशित हुई इस किताब की तीस हजार प्रतियां बिकी पैंसठ हार्ड अकबर न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में नंबर एक पर पहुंच गया और बारह सप्ताह तक सूची में बना रहा इसे 2006 हजार छविल अवार्ड्स में बुक ऑफ द ईयर बेस्ट ह्यूमर बुक चुना गए छियासत उनकी दूसरी पुस्तक हायर इज वेटिंग 14 नवंबर 2017 को प्रकाशित हुई यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ड सेलर सूची में पांचवें नंबर पर शुरू हुई सरसक कानूनी कार्यवाही राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पश्चिम राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट ने नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड एनएलआरबी के साथ अनुचित श्रम अभ्यास के आरोप दायर किए जिसमें आरोप लगाया गया कि पेरी की प्रोडक्शन कंपनी टाइलर पेरी स्टूडियोज ने यूनियन कॉन्ट्रैक्ट पाने की कोशिश करने के लिए प्रतिशोध में अक्टूबर 2008 में चार लेखकों को गैरकानूनी तरीके से निकाल दिए अड़सठ विवाद एक महीने बाद सुलह लिया गया जब टीपीएस ने डब्लूजीए हस्ताक्षरकर्ता बनने पर सहमति व्यक्त की उनहत्तर मो मनी टैक्स दो की शुरुआत में पेरी ने टेनेसी के मेम्फिस में स्थित एक कर तैयारी कंपनी मो मनी टैक्सेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी क्योंकि उसने एक टीवी विज्ञापन चलाया था जिसमें उसे लगा कि उसके काम की अपमानजनक रूप से पैरोड़ी की गई है विशेष रूप से मीडिया गोस टू जेल विज्ञापन में एक बड़े आकार के श्वेत पुरुष जॉन कोवान को ड्रेग में दिखाया गया है जिसका नाम मामेडिया ए आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रचलन से हटा दिया गए सत्तर स्वागत आलोचना टाइलर पेरी की फिल्में गहन जांच के दायरे में आ गई है कई जांचकर्ताओं ने दावा किया है कि उनकी फिल्में आक्रामक और नकारात्मक अफ्रीकी अमेरिकी रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है लेखक डोनाल्ड बोगल ने एंटरटेनमेंट वीकली के साथ एक साक्षात्कार में कहा मीडिया का संबंध पुरानी माँ जैसी है वर माँ जैसी है अगर कोई श्वेत निर्देशक इस उत्पाद को पेश करता है तो अश्वेत दर्शक हैरान हो जाएंगे इकहत्तर नेशनल पब्लिक रेडियो पर पेरी को लिखे एक खुले पत्र में पत्रकार जमीला लेमियक्स ने पेरी को कैमरे के सामने और पीछे अश्वेत लोगों को काम देने के लिए धन्यवाद देते हुए उनके शो मीत ब्राउन्स और हाउस ऑफ पेन की भी आलोचना की अपने पत्र में उन्होंने कहा कि आपके दोनों शो पुराने स्टीरियोटाइप से भरे हुए हैं, जिसमें मूर्ख नपुंसक अश्वेत पुरुष और असम्भ्य चिलबुली अश्वेत महिलाएं हैं जबकि उन्होंने उनके काम को उसके हास्य और आत्मसम्मान प्रेम और सम्मान के सकारात्मक संदेशों के लिए सराहा उन्होंने बाद में निराशा व्यक्त की कि अफ्रीकी अमेरिकियों को बार बार खुद की एक ही छवि खिलाई गई है क्योंकि वे बिकते हैं बेहतर लेमियक्स ने अपने प्रसिद्ध मैडिया चरित्र को खारिज करते हुए दावा किया कि उसके माध्यम से देश ने अश्वेत समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक पर हंसा है मदर डियर प्यारी मातृसत्ताएं हमारी माताएं और दादियां इससे कहीं अधिक की हकदार है आलोचकों की नकारात्मक टिप्पणियों को खारिज करने के लिए उन्होंने पेरी की सराहना की लेमियक्स ने दावा किया कि कई अश्वेत लोगों ने आपके काम के बारे में कुछ ऐसे ही दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं जो श्वेत आलोचकों ने व्यक्त किए हैं और उनसे आग्रह किया कि आलोचकों को नफरत करने वाले के रूप में खारिज करना बंद करें और महसूस करें कि अश्वेत लोगों को नई कहानियों और नए कहानीकारों की आवश्यकता है बेहतर स्पाइकली की टिप्पणियां 2006 में पेरी की प्रशंसा करने के बावजूद निर्देशक स्पाइकली ने 2009 में उनके काम की आलोचना की जिसमें कहा गया कि प्रत्येक कलाकार को अपने कलात्मक प्रयासों को आगे बयाने की अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि आज भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मूर्खतापूर्ण तमाशा एड्स और जॉन सिंगल्टन के काम और सामग्री के साथ साथ मिरेकल एट सेंटन्ना दो सहित उनके अपने काम पर प्रकाश डाला जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बफेलो सोल्जर्स के रूप में जाने जाने वाले अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों की वीरता को दर शाता है। तिहत्तर समय की आवश्यकता जब पूछा गया कि क्या पेरी की अश्वेत दर्शकों के बीच सफलता सिर्फ अश्वेत अमेरिका को वह देने का नतीजा थी जो वे चाहते थे तो ली ने जवाब दिया छवि परेशान करने वाली है उद्धरण की आवश्यकता अक्टूबर 2009 में 60 मिनट के साक्षात्कार के दौरान पेरी को उनके काम के बारे में स्पाइकली की टिप्पणियों का एक उद्धरण पड़ा गया और उन्होंने जवाब दिया मुझे अपने प्रशंसकों के बीच यह आलोचना पढ़ना अच्छा लगेगा इससे मुझे गुस्सा आता है यह बहुत अपमानजनक है यह इस तरह का रवैया है जो हॉलीवुड को यह सोचने पर मजबूर करता है कि ये लोग मौजूद नहीं है और इसीलिए उनके लिए हमसे बात करने के लिए कोई सामग्री नहीं है पेरी ने यह भी कहा कि ये सभी चरित्र चाराएज निहत आकर्षक आपको हंसाने वाला चार मैं मीडिया को किसी चीज पर ठप्पर मार सकता हूँ और भगवान प्यार विश्वास क्षमा परिवार इनमें से किसी के बारे में बात कर सकता हूँ चौहत्तर हिप हॉलीवुड के साथ एक साक्षात्कार में पेरी ने स्पाइकली की टिप्पणियों का जवाब देते हुए उन्हें भार में जाओ कहा क्रिस्टल स्टीवर्ट से मी स्टीवर्थ एक अमेरिकी अभिनेत्री है जिनका करियर 2011 में शुरू हुआ जब उन्होंने 2017 तक ओन पीबीएस कॉमेडी ड्रामा टेलीविजन सीरीज फॉर बेटर और में रियल एस्टेट एजेंट लेस्ली मोरिस बाद वह 2018 की फिल्म एक में दिखाई दी उन्होंने मिस यूएसए 2008 भी जीता और मिस यूनिवर्स 2008 में संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व किया जहां वह शीर्ष दस में पहुंची 2020 से 2023 तक स्टीवर्थ मिस यूएसए और मिस तीन यूएसए की राष्ट्रीय निदेशक थी पक्षपात मिस यूएसए 2022 में परिणामों में हेराफेरी और मिस यूएसए 2021 में यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया था उन्होंने आधिकारिक तौर पर अगस्त 2023 में पद छोड़ दिए जीवन और कैरियर प्रारंभिक जीवन क्रिस्टल डेने स्टीवर्थ एक अफ्रीकी अमेरिकी है दो जलुस स्टीवर्थ ने 1 जुलाई 2007 को टेक्सास के लारेनो में आयोजित एक राज्य प्रतियोगिता में 121 अन्य प्रतियोगियों के ख़िलाफ़ प्रतिस्पर्धा करने के बाद मिस टेक्सास यूएसए 2008 का खिताब जीता है। तीन चार उस समय वह एक पार्टी प्लानिंग और प्रेरक भाषण कंपनी चलाती थी और पेशेवर रूप से मॉडलिंग करती थी उन्होंने अप्रैल दो में आयोजित मिस यूएसए दो प्रतियोगिता में टेक्सास का प्रतिनिधित्व किया स्टीवर्ट ने मिसौरी सिटी के एल्किंस हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 2007 में ह्यूस्टन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की इसके अतिरिक्त स्टीवर्ट ने ह्यूस्टन में बार्बीजोन मॉडलिंग और एक्टिंग स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की पांच स्टीवर्थ सितंबर 2008 में न्यूयॉर्क में मर्सिडीज बेंच फैशन वीक में मिस तीन यूएसए स्टेवी पेरी के साथ दिखाई दे रही है मिस टेक्सास यूएसए खिताब के लिए यस स्टीवर्ट का पांचवां प्रयास था 2006 और 2007 दोनों आयोजनों में वह प्रथम रनरअप रही 2005 में तीसरी रनरअप रही और 2003 में सेमीफाइनल में पहुंची राज्य प्रतियोगिता में उनकी पहली उपस्थिति 2002 में थी जब उन्होंने मिस फोर्थ बेंड काउंटी के रूप में प्रतिस्पर्धा करते हुए मिस टेक्सास यूएसए 2003 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी 2004 में स्टीवर्ट ने फिर से मिस फोर्ट बेंड काउंटी के रूप में प्रतिस्पर्धा की और मिस टेक्सास यूएसए दो हजार पांच में टाइल रही अगले वर्ष उन्होंने मिस ह्यूस्टन स्थानीय प्रतियोगिता में भाग लिया और लॉरेन लैंडिंग के बाद प्रथम रनरअप रही उन्होंने मिस टेक्सास यूएसए 2006 में मिस सैरिस काउंटी के रूप में प्रतिस्पर्धा की साथ 2006 में वह दूसरी बार मिस ह्यूस्टन की प्रथम रनरअप रही और एक डबल रिपीटेशन में 2007 के स्टेट पेजेंट मिस ईस्ट टेक्सास के रूप में प्रतिस्पर्धा में मिस ह्यूस्टन मैगन एलिस की प्रथम रनरअप रही आठ नौ दो हजार सात में उन्होंने स्थानीय खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की और इसके बजाय मिस टेक्सास यूएसए 2008 के लिए एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में प्रवेश किया फिर से मिस फोर्ट बेंड काउंटी का खिताब अपने नाम किए वह मिस ह्यूस्टन ब्रुक डेनियल के साथ राज्य टेलीविजन प्रतियोगिता में अंतिम दो में पहुंची जो मिस टेक्सास यूएसए 2007 में उपविजेता भी थी इस बार स्टीवर्ट ने खिताब जीता और मिस टेक्सास यूएसए 2008 का ताज पहनाया गए उन्होंने एवरीथिंग बट वाटर स्विमसूट पुरस्कार भी जीता जिसकी घोषणा प्रारंभिक प्रतियोगिता के दौरान की गई थी स्टीवर्ट मिस टेक्सास यूएसए में ताज जीतने वाली दूसरी अफ्रीकी अमेरिकी एयर केर्सी स्मिथ्स को मिस टेक्सास यूएसए उन्नीस और बाद में मिस यूएसए और मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था ग्यारह अप्रैल 2008 को स्टीवर्ट ने मिस यूएसए 2008 प्रतियोगिता में टेक्सास का प्रतिनिधित्व किया जहां वह मिस यूएसए का खिताब जीतने वाली नवीन टेक्सन बनी 10, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न चैरिटी के लिए काम किया मीडिया साक्षात्कार आयोजित किए और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम किए छब्बीस अप्रैल को वर राइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर में शामिल हुई स्टीवर्थ के पास ह्यूस्टन विश्वविद्यालय से उपभोक्ता विज्ञान और मर्चेंडाइजिंग में डिग्री है ग्यारह स्टीवर्थ को ह्यूस्टन में नील एम एजेंसी द्वारा एक मॉडल के रूप में दर्शाया गया है बारह स्टीवर्थ अन्य मिस यूनिवर्स प्रतियोगियों के साथ वियतनाम के तट पर यूएसएनएस मर्सी का दौरा करती हुई तेरह जुलाई दो को स्टीवर्थ ने वियतनाम के नहायतरांग में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और शीर्ष दस में पहुंची स्टीवर्ट 2007 में राहल स्मिथ्स के बाद लगातार दूसरी मिस यूएसए बनी जो शाम के गाउन प्रतियोगिता के दौरान ललखड़ा कर गिर गई उसके बाद उन्होंने दर्शकों को ताली बजाकर तालियां बजाने के लिए प्रोत्साहित किए तेरह स्मिथ्स के विपरीत स्टीवर्ट शीर्ष पांड में आगे नहीं बढ़ पाई चौदह कुल मिलाकर आठवें स्थान पर रही नवंबर 2020 में स्टीवर्थ मिस यूएसए और मिस तीन यूएसए की राष्ट्रीय निदेशक बनी जिससे प्रतियोगिता को मिस यूनिवर्स संगठन से अलग एक नए स्वतंत्र संगठन में विभाजित कर दिया गया। सोलह वह यह पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी सत्रह विवादों अक्टूबर 2022 में स्टीवर्ट और उनकी कंपनी मिस ब्रांड कॉरपोरेशन को पूर्व प्रतियोगियों द्वारा पक्षपात परिणामों में हेराफेरी और यौन उत्पीड़न के कई आरोप लगाए जाने के बाद प्रतियोगिता के आयोजन में उनकी भूमिकाओं से निलंबित कर दिया गया था अठारह उन्नीस उन्होंने आधिकारिक तौर पर अगस्त 2023 में पद छोड़ दिए 20. 15. होस्टिंग स्टीवर्ट ने 31 जुलाई 2009 को सेट गोल्डमैन के साथ मिस तीन यूएसए 2009 प्रतियोगिता की मेजबानी की 24 जुलाई 2010 को गोल्डमैन और स्टीवर्ट ने एक बार फिर मिस तीन यूएसए प्रतियोगिता की मेजबानी की स्टीवर्ट ने कई मिस टेक्सास यूएसए पेजेंट की सहमेजबानी भी की जिनमें उनके बेल्जियम में जन्मेपति मॉडल मैक्स सेब्रेचेट्स एनएल 9 अगस्त 2014 को विवाहित के साथ कुछ शामिल है इक्कीस और उन्होंने जेसन फीनबर्ग के साथ भी सहमेजबानी की बाईस स्टीवर्ट ने पांच जून 2016 को लास वेगास नेवादा में मिस यूएसए 2016 प्रतियोगिता में फाइनल जज के रूप में काम किए तेईस अभिनय दो हजार में स्टीवर्थ ने सिटकॉम हाउस ऑफ पेन के एक एपिसोड में अभिनय की शुरुआत की उसी वर्ष पेरी ने उन्हें टीबीएस ओडब्ल्यूएन कॉमेडी ड्रामा सीरीज फॉर बेटर और वर्ष में छह सीजन की श्रृंखला के लिए लेस्ली मोरिस की भूमिका निभाने के लिए एक सीरीज की मुख्य भूमिका में ली है दो में पेरी ने स्टीवर्थ को अपनी पहली फिल्म में कास्ट किया जिसमें उन्होंने गुड डीर्स में एक सचिव की भूमिका निभाई दो में फिर से उन्हें अल्पकालिक टीएलसी ड्रामा सीरीज टू क्लोज टू होम में एक सीरीज नियमित के रूप में कास्ट किए चौबीस दो हजार अठारह में उन्हें पेरी की थ्रिलर एक रिमनी में कास्ट किया गए पच्चीस टाइलर पेरी प्रोडक्शंस में अपनी भूमिकाओं के अलावा स्टीवर्ट दो हजार चौबीस में स्टीवर्ट को नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरियो ब्यूटी इन ब्लैक में मुख्य भूमिका के लिए चुना गए छब्बीस व्यक्तिगत जीवन उन्होंने अगस्त 2014 में बेल्जियम के मॉडल मैक्स से, से शादी की 27, 2017 में दंपति ने अपने पहले बच्चे एक बेटी का स्वागत किए 28, उनका एक बच्चा है डेबोरा एन डेबी मॉर्गन। नोट एक एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है मॉर्गन कई फिल्मों और टीवी प्रस्तुतियों में दिखाई दी है और उन्हें एबीसी सो ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में एंजी बैक्सट रॉबर्ट की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है मोर्गन उन्नीस में एंजी के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए डे टाइम एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी थीं उन्हें चार्मुड़ के चौथे और पांचवें सीजन में सीर के रूप में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है फिल्म में युसबेउ उन्नीस में मोजेल बेटिस टेलाक्रोइक्स के रूप में उनके प्रदर्शन ने आलोचकों की प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ सहायक महिला के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड अर्जित किए हाल ही में उन्होंने 2014 से 2021 तक स्टारस क्राइम ड्रामा सीरीज पावर और इसके स्पिन ऑफ पावर बुक टू घोस्ट में एस्टेले ग्रीन के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई और फॉक्स ड्रामा सीरीज अवर काइंड ऑफ पीपल में भी सहाभिनय किए प्रारंभिक जीवन मॉर्गन का जन्मदन उत्तरी कैरोलिना में हुआ था उद्धरन वांछित लोरा एक शिक्षिका और जॉर्ज मोर्गन जूनियर एक कसाई की बेट उसकी एक छोटी बहन है तेर जब मोर्गन अभी भी एक बच्ची थी तब परिवार ब्रोंक्स में स्थानांतरित हो गए उन्नीस में पीपल के साथ एक साक्षात्कार में मोर्गन ने खुलासा किया कि उसके पिता एक अपमानजनक शराबी थे हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों को शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन मोर्गन ने याद किया कि उनकी मां अक्सर अपने पिता से भागती थी उनके पिता की उन्नीस सौ पचहत्तर में ल्यूकेमिया से मृत्यु हो गई पांक मोर्गन ने एक विनाश स्कूल से स्नातक किए छ आजीविका मोर्गन की सबसे पहली फिल्म भूमिका उन्नीस में मूवी मन की हसल में थी उन्होंने वी की भूमिका निभाई थी मोर्गन की सबसे पहली आवर्ती भूमिका 1976 से 1977 तक वरात सेपनिंग में डायने एरिस के रूप में थी और गुड टाइम्स में भी दिखाई दी उन्नीस में उन्हें उन्नीस सौ रूट्स द नेक्स्ट जनरेशन में एलेक्स हेली की परदादी एलिजाबेथ हार्वे की भूमिका के लिए और द वाइट शेयरों में कर्टिस जैक्सन की पूर्व प्रेमिका जो वेश्या बन गई थी की मेहमान भूमिका के लिए प्रशंसा मिल उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिका सोपोपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में एनजी बैक्सटर हबर्ड की थी एक भूमिका जो उन्होंने मूल रूप से जनवरी 1982 से जुलाई 1990 तक निभाई की उन्नीस में मॉर्गन ने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए डेटाइम एमी पुरस्कार जीता जिसे उन्होंने सांता बारबरा अभिनेत्री ली ग्राहन के साथ साझा किया उन्होंने और विलियम्स ने 1980 के दशक के मध्य में न्यूयॉर्क हॉट ट्रैक्स नामक एक संगीत वीडियो शो की सहमेजबानी भी की उद्धरण आवश्यक ऑल माई चिल्ड्रन छोड़ने के बाद मॉर्गन ने एनबीसी सोप ओपेरा जेनरेशन अभिनेत्री शेरोन ब्राउन की जगह में चैंतल मार्शल की भूमिका निभाई और शो के समाप्त होने तक इसमें बनी रहीं इसके बाद उन्होंने उन्नीस में एबीसी के लविंग में एनजी हबर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई उन्नीस में वह इसी चरित्र को द सिटी लविंग का एक नया संस्करण में लेकर आई जिससे मॉर्गन तीन अलग अलग सोप ओपेरा में एक ही चरित्र को चित्रित करने वाले कुछ कलाकारों में से एक बन गई उन्नीस से उन्नीस तक उन्होंने पोर्ट चार्ल्स में डॉ एलेन बर्गेस की भूमिका भी निभाई 1980 और 1990 के दशक में मोर्गन अश्वेत महिलाओं के लिए संभावनाओं का एक वास्तविक प्रतीक बन गई क्योंकि उनकी सभी सोपोपेरा भूमिकाओं में उन्होंने एक सफल डॉक्टर की भूमिका निभाई मोर्गन ने निर्देशक कासी लेम्स की ड्रामा फिल्म ईवस्बे उन्नीस सौ सत्तानवे में दिव्यदर्शी मोजेल बेटिस डेलाक्रोइक्स की भूमिका के लिए फिल्म समीक्षकों से प्रशंसा अर्जित की साथ अपने चित्रण के लिए उन्होंने शिकागो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार और इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार जीता और उन्हें इमेज पुरस्कार के लिए नामांकित किया गए बाद में उन्होंने सोप ओपेरा छोड़ दिया और शीज ऑल डेथ उन्नीस सौ निन्यानवे द हरिकेन उन्नीस सौ निन्यानवे लव एंड बास्केटबॉल दो हजार वुमन टू आर्ट लूज्ड दो हजार चार कोच कार्टर दो हजार पांच रिलेटिव स्ट्रेंजर्स दो हजार छह और कलर ऑफ द क्रॉस 2006 में भूमिकाओं के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की टेलीविजन पर उन्होंने द प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बोस्टन पब्लिक प्रोविडेंस और सोल फूड में भूमिकाएं निभाई। I... 2002 दो से दो तक मॉर्गन ने लाइफटाइम ड्रामा सीरीज फॉर द पीपल में ली थॉम्पसन के विपरीत मुख्य किरदार लोरा गिब्सन की भूमिका निभाई। उन्होंने चार्मड के चौथे और पांचवें सीजन में सीर की भूमिका भी मॉर्गन को स्टार डेरनेल विलियम्स के साथ डेटाइम टेलीविजन छोड़ने के 10 साल बाद जनवरी 2008 में ऑल माई चिल्ड्रन में लौट आई 9 मई 2009 और 2011 में उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्ट्रेस के लिए डे टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था दस दो में एबीसी ने ऑल माई चिल्ड्रन को रद्द कर दिया और मोर्गन द यंग एंड द रेस्ल के कलाकारों में योलांडा हार्मनी एमिल्टन के रूप में शामिल हो गए ग्यारह बारह सात अक्टूबर 2011 को ऑल माई चिल्ड्रन के ठीक दो हफ्ते बाद 23 सितंबर 2011 को इसका अंतिम टेलीविजन एपिसोड प्रसारित हुआ 2013 में मॉर्गन ऑल माई चिल्ड्रन के वेब आधारित रिबूत में दिखाई दी जिसमें उन्होंने एंजी हबर की भूमिका दोहराई तेरह श्रृंखला का प्रीमियर उन्तीस अप्रैल दो को हुआ था और एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया था चौदह पन्द्रह नवंबर 2013 में ऑल माई चिल्ड्रन के रद्द होने के बाद मॉर्गन को स्टारस ड्रामा सीरीज पावर में ओमारी हार्डविक और नटूरी नोटन के साथ लिया गए सोलह सत्रह दो हजार पन्द्रह में उन्होंने रिचर्ड लॉसन और विविका ए फॉक्स के साथ दो टीवी वन होलीडे फिल्मों रॉयल फैमिली थैंक्सगिविंग और रॉयल फैमिली क्रिसमस में सह किए अठारह उन्नीस मोर्गन ने बाद में लाइफटाइम बायोपिक टोनी ब्रेकसटन अनब्रेक अब्रेक माई हार्ट में टोनी ब्रेकसटन की मां की भूमिका निभाए बीस इक्कीस बाईस दो में मोर्गन मार्वल मिनिस्ट्रीज द डिफेंडर्स में डेलोरेस की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए अगले वर्ष उन्होंने बीईटी ट्रामा सीरीज द क्वाड में एक कावर्ती भूमिका निभाई 2019 में वह मार्लन वेंस अभिनीत नेटफ्लिक्स फिल्म सिक्स टूप्लेट्स में दिखाई दी उन्होंने लाइफटाइम मूवी मेरी लिटल क्रिसमस और इसके सीक्वल में केली रोलैंड के साथ अभिनय किए 2021 में उन्हें ली डेनियल प्राइम टाइम सोपोपेरा ओपेरा अवर काइंड ऑफ पीपल में याद आकोस्टा के साथ कास्ट किया गया तेईस दो हजार तेईस में उन्होंने लाइफ टाइम बायोपिक कीशिया कोल दिस इज माई स्टोरी में कीशिया कोल की माँ का किरदार निभाए टीवी फेनेटिक से जैसमीन ब्लू ने अपनी समीक्षा में लिखा डेबी मोर्गन हालांकि हमेशा एक ताकत रही है एक किंवदंती जो अपने फूलों के हर आखिरी टुकड़े की हकदार है यह कहना कि उन्होंने इस फिल्म को चुरा लिया सदी की सबसे बड़ी कमी होगी वह शानदार थी उन्होंने फ्रेंकी की भूमिका निभाने में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया ऐसे क्षण थे जब मुझे सचमुच रोंगटे खड़े हो गए। यह लगभग भयानक है कि मॉर्गन ने दिवंगत माँ और दादी को कितनी अच्छी तरह से निभाया चौबीस मॉर्गन को बाद में टाइलर पेरी द्वारा लिखित तो और निर्देशित ड्रामा फिल्म डिवोर्स इन द ब्लैक में कास्ट किया गए व्यक्तिगत जीवन मॉर्गन की चार बार शादी हो चुकी है और उनके कोई बच्चे नहीं हैं उनकी पहली शादी 1980 से उन्नीस सौ तक चार वेल्डन से हुई थी एक टेलर पोलिडोर एक अमेरिकी अभिनेत्री है जीवन और कैरियर पोलिडोर का जन्म और पालन पोषण ह्यूस्टन टेक्सास में हुआ था एक उन्होंने कैटी टेक्सास में सेवन लेक्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और क्लार्क अटलांटा विश्वविद्यालय से फिल्म निर्माण में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की एक दो पोलिडोर ने 2008 की कॉमेडी फिल्म वेलकम होम रोस्को जेनकिंस में एक छोटी सी भूमिका निभाकर बड़े पर्दे पर शुरुआत की तीन बाद में वह सच्ची अपराध टेलीविजन श्रृंखला स्नेप्ट किलर कपल्स और फेटल अट्रैक्शन में दिखाई दीन और द रेजिडेंट स्टेप अप हाई वॉटर और जीनियस एरिथा में अतिथि भूमिका निभाए 2018 से 2019 हजार उन्नीस तक सीडब्ल्यू सुपरहीरो श्रृंखला ब्लैक लाइटनिंग में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी एक। 2021 से 2023 तक पोलिडोर ने एफ क्राइम ड्रामा सीरीज स्नोफॉल में बाउंटी शिकारी डलास अली की भूमिका निभाई। चार 2022 से 2023 तक उन्होंने सीडब्ल्यू स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज ऑल अमेरिकन होमकमिंग में आवर्ती भूमिका निभाई दो बाद में 2022 में पोलिडोर को ऑल अब्लॉक अलौकिक ड्रामा सीरियो विक्टर सिटी में मुख्य भूमिका के लिए चुना गए पांच 2023 में उन्हें टायलर पेरी की ड्रामा फ़िल्म डिवोर्स इन द ब्लैक में कास्ट किया गए 6, दो में पेरी ने पोलिडोर को अपनी नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज ब्यूटी इन ब्लैक में मुख्य भूमिका के लिए कास्ट किए सात आठ नौ फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2008 घर में आपका स्वागत है रोस्को जेनकिंस घरेलू लड़की 2016 मेरे सभी दोस्त मर चुके हैं लाना लघु फिल्म 2016 पिता का बचाए वैस्क चमेली लघु फिल्म 2016 हज़ार सोलह मारा एंडरसन दो वापस एक पर प्रथम स्थान जेनोबिया 2018 आपकी पसलिया नहीं पेरिस लघु फिल्म 2019 आपके बिना बवेत लघु फिल्म 2020 सवारी इसाबेल बेल किंग लघु फिल्म 2024 काले धन में तलाक रोना टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2013 घातक आकर्षण डेनिटा स्मिथ प्रकरण कॉलेजिएट हत्या 2013 हज़ार तेरह किलर कपल्स निक्की हिल एपिसोड रेचल कंबरलैंड और जॉन विलियम्स 2015 घातक आकर्षण शेरोन एपिसोड ए लेखल लव 2018 निवासी थ्रीना एपिसोड स्वतंत्रता दिवस 2018 कदम बयाए उच्च जल विद्यार्थी एपिसोड पायलट 2018 से 2019 हजार उन्नीस एक सुपरहीरो का नाम लिसा पांट एपिसोड 2021 जीनियस अरेखा डार्लिन एपिसोड ए रीथा डू राइट वुमन दो हजार इक्कीस द लाउड हाउस शेलबी एपिसोड लोरी डेज इन द मिक ऑफ टाइम आवाज 2020 से 2021 यह पोनी है क्लारा आवाज 19 एपिसोड 2019 से 2022 हजार बाईस जॉर्ज विन्नी बटा लाइब्रेरियन आवाज पांट एपिसोड 2021 से 2023 हजार तेईस हिमपात डलास ग्यारह एपिसोड 2022 से 2023 हजार तेईस ऑल अमेरिकन होमकमिंग टूटी नौ एपिसोड दो शून्य दो दो वर्तमान दुष्ट शहर के मिली श्रृंखला नियमित 2023 बिग सिटी ग्रीन्स अतिरिक्त आवाजे एपिसोड ट्रक रुका झनन आया दो काले रंग में सौंदर्य किम्मी सीरीज लीड आठ एपिसोड रिकी ली लॉसन तीन जन्म सात मार्च उन्नीस सौ सैंतालीस चार एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने फिल्मों और टेलीविजन पर अभिनय किया है उन्हें शायद शैली की फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है उन्होंने उन्नीस की फिल्म पोल्टरजिस्ट में रयान और उन्नीस की एनबीसी मिनिस्ट्रीज वी में डॉ बेन टेलर का किरदार निभाया था जीवन और कैरियर कैलिफोर्निया के लोमा लिंडा में रिकी ली लॉसन के रूप में जन्मे लॉसन को संयुक्त राज्य की सेना में भर्ती किया गया और वे चिकित्सक बनों वियतनाम युद्ध के दौरान उन्होंने वियतनाम में 21 महीने सेवा की और कार्रवाई में घायल हो गए छह। चार अपनी सैन्य ड्यूटी पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय करियर शुरू किए उनकी पहली फीचर फिल्म भूमिका बिना श्रेय उन्नीस की फिल्म डर्टी एरी में हत्या के लिए लक्षित एक समलैंगिक व्यक्ति की थी उन्नीस में उन्होंने स्क्रीम ब्लाकुला स्क्रीम में विलिस का किरदार निभाया था उनकी अन्य प्रसिद्ध भूमिकाओं में उन्नीस की फिल्म द मेन इवेंट और उन्नीस का ड्रामा स्ट्रीट्स ऑफ फायर शामिल है जहां उन्होंने ऑफिसर एड प्राइस की भूमिका निभाई टेलीविजन सीरीज में लॉसन की पहली चल रही अभिनत भूमिका 1977 उन्होंने 1986 से 1987 तक प्राइम टाइम सोप ओपेरा डायनेस्टी में निक किम्बल की चल रही भूमिका निभाई उन्नीस से उन्नीस तक द दे डेज एंड नाइट्स ऑफ मॉलिडोर में जासूस नाथनियल होथोन के रूप में दिखाई दिए और उन्नीस सौ बानवे से उन्नीस सौ चौरानवे तक रे टाइम ऑफ ओपेरा ऑल माई चिल्ड्रन में लुकास बार्न्स के रूप में छाई लॉसन ने टेलीविजन पर कई अतिथि भूमिकाएं निभाई है जिनमें कोजेक गेट क्रिस्टी लव सिस्टर सिस्टर सोल फूड द बर्नी मैक शो द डिवीजन ऑल इन द फैमिली और स्त्रोंड मेडिसिन में भूमिकाएं शामिल है व्यक्तिगत जीवन लॉसन का विवाह उनकी पहली पत्नी अभिनेत्री डेनिस गोर्डी से नए साल की पूर्व संध्या 1978 से उन्नीस तक हुआ था दो उनकी एक बेटी अभिनेत्री बियंका लॉसन उन्नीस में पैदा हुई थी लॉसन का एक बेटा भी है जिसका नाम रिकी है जो उन्नीस में पैदा हुआ था पांच 22 मार्च उन्नीस को लॉसन न्यूयॉर्क शहर के कैंस में लागार्डिया हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद यूएसएर फ्लाइट चार विमान दुर्घटना में बचकर छह 2013 की गर्मियों के दौरान उन्होंने फैशन डिजाइनर और गायकों बेओंसे और सोलेंज नोल्स की मां टीना नोल्स को डेट करना शुरू किए सात लॉसन और नोल्स एक दूसरे को तीस से अधिक वर्षों से जानते थे नौ इस जोड़े ने बारह अप्रैल दो को शादी की दस नोल्स ने जुलाई 2023 में तलाक के लिए अर्जी दी क्या फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स उन्नीस सौ इकहत्तर डर्टी एयरि समलैंगिक उन्नीस चीक ब्लाकुला चीक विलिस्टेनियल्स फॉक्स स्टाइल लिटिल हेनरी उन्नीस शुगर हिल प्रेमी बोगार्ड लेरोय फिस्क उन्नीस क्रॉस फायर अधिकारी के डिलार्ड टीवी फिल्म उन्नीस सौ सतहत्तर ओडरे रोज पुलिसकर्मी एक उन्नीस सौ अठहत्तर घर आ रहा थपथपाना उन्नीस सौ उनासी चार जेम्स एर टीवी फिल्म जेरिको मील आरसी स्टाइल्स टीवी फिल्म भैंस सैनिक कैलेब हॉलिडे टीवी फिल्म मुख्य समारोह हेक्टर मंटिला 1980 सौ स्वर्णिम क्षण एक ओलंपिक प्रेम कहानी जीन डेविस टीवी फिल्म उन्नीस सौ बयासी पॉल्टरगाइज रयान लीड फुट अधिकारी वेंचेक टीवी फिल्म उन्नीस सौ कौरासी आग की सड़के अधिकारी ए प्राइस उन्नीस सौ पचासी की पकना कोर्नेल उन्नीस सौ छियासी प्रभाव में डॉ दुरान टीवी फिल्म जॉनी में गिब्सन एफबीआई एडम प्रेंटिस टीवी फिल्म उन्नीस सौ नवासी भूला हुआ सार्जेंट फ्रैंक डॉक मैक्टरमोथ टीवी फिल्म अपना आनंद दोगुना करें थोड़ा सा टीवी फिल्म उन्नीस सौ सत्तानवे कम महत्व की चीज का प्रदर्शन सीआईए एजेंट उन्नीस सौ अट्ठानवे स्टेला ने अपनी लय कैसे वापस पाई जैक उन्नीस सौ निन्यानवे न्यायगस टीवी फिल्म जैकी वापस आ गया मिल्कमैन समर्स जैकी का पूर्व पति एक टीवी फिल्म 2000 मंगल और उससे आगे मिशन फ्लाइट डायरेक्टर मेनार्ड निक्सन छोटा 2001 हजार एक हिल एवेन्यू अंकल रॉब 2003 काली सूची में डाला गया एजेंट गॉर्डन वीडियो पागल मैगी श्री बील टीवी फिल्म बारिश से बाहर डोनाल्ड 2004 पानी के किनारे क्रिसमस श्री टर्नर टीवी फिल्म 2005 हजार अंदाज लगाओ कौन मार्कस 2006 अंतिम स्टैंड विंगस्टन 2007 हजार मैं गोरी लड़कियों से तंग आ चुका हूं जेम्स सीवांस 2008 प्यार बिक्री के लिए अंकल मैक 2009 शो का व्यवसाय विशेष धन्यवाद छोटा 2010 रंगीन लड़कियों के लिए स्पष्टवादी हत्याकांड रिच तोप दो शाही परिवार का धन्यवाद ज्ञापन लीटन रॉयल टीवी फिल्म शाही परिवार क्रिसमस लीटन रॉयल टीवी फिल्म 2017 नेवरलैंड की खोज जो जैक्सन टीवी फिल्म 2019 हज़ार शून्य से लेकर आई लव यू तक्रॉन लॉक्सरन हमेशा एक दुल्हन की सहेली कार्लटन ब्लैकस्टोन सीनियर 2020 पुराना कुत्ता कर्टिस विंटर्स छोटा 2021 हजार इक्कीस द कॉर्नर स्टोर मार्विन छोटा उत्तर हॉलीवुड एडोल्फ के पिता अकेले नहीं रहो जेम्स क्ले एक छुट्टी का मौका गार्विन टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स उन्नीस सौ तिहत्तर शाफ्ट डॉन एपिसोड द एन्फोर्सर्स कोचक प्रथम संदिग्ध एपिसोड वन फॉर द मोर उन्नीस सौ चौहत्तर क्रिस्टी प्यार प्राप्त करें रिक एलन एपिसोड घातक छवि उन्नीस सौ पचहत्तर सैन फ्रांसिस्को की सर के एडी हिल एपिसोड एंड गेम चिकित्सा केंद्र एंडी विलिस एपिसोड सर्वाइवर्स उन्नीस सौ छिहत्तर बर्ट डी एंजेलो सुपरस्टार हचिन्स एपिसोड द ब्राउन हॉर्स कनेक्शन सर्वाधिक वांछित कार्ल वेबस्टर एपिसोड पायलट उन्नीस सौ सतहत्तर पुलिस महिला स्कीट एपिसोड वंस एसनिच परिवार में सभी क्रोधित काला आदमी एपिसोड माइक द पेसिफिस्ट शानदार यात्रा रिवाल्वर एपिसोड फन हाउस एक नौ सात सात अठहत्तर अच्छा होटल की कहानी मुख्य कलाकार उन्नीस सौ अठहत्तर अच्छा समय रेमंड एपिसोड मैंने एक सपना देखा जूली फर्र एम डी बर्ट रोलिंस एपिसोड पुराने दोस्त पैंसठ की कक्षा में वास्तव में क्या हुआ था लेफ्टिनेंट सॉयर एपिसोड रीयूनियन इन टेरर 1981 सफेद छाया डेविड मैके एपिसोड बर्नआउट उन्नीस सौ टीजे हुकर अधिकारी डेविड मैकनील एपिसोड रक्षक शिकागो स्टोरी डिट ओ स्टेट मुख्य कलाकार रिको रॉस एक अमेरिकी अभिनेता है उन्हें उन्नीस की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म एलियंस में प्राइवेट फ्रॉस्ट की भूमिका के लिए जाना जाता है प्रारंभिक जीवन शिकागो इलिनोइस के कुक काउंटी अस्पताल में जन्मे वे आठ बच्चों में से पांचवें और इसके अलावा उनके पिता की पहली शादी से तीन सौतेली बहनें और एक और भाई है उन्होंने सबसे पहले एक हाई स्कूल प्रोडक्शन में अभिनय किया एक स्थानीय सामुदायिक कॉलेज में थियेटर में पढ़ाई की और फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी (एफएयू) में प्रवेश लिया जहां उन्हें थियेटर में बीए की डिग्री दी गई उन्होंने यूसीधले में छात्रवृत्ति अर्जित की जहां उनका करियर विकसित होना शुरू हुआ आजीविका रॉस की पहली टेलीविजन भूमिका द यंग एंड द रेस्टलेस में एक एक्स्ट्रा के रूप में थी जिसके बाद हिल स्ट्रीट ब्लूज में एक छोटा सा हिस्सा और वृत्नी ह्यूस्टन के उन्नीस के हिट गाने सेविंग ऑल माई लव फॉर यू के म्यूजिक वीडियो में मुख्य पुरुष भूमिका निभाएं बाद में उन्होंने फिल्म एलियंस उन्नीस में प्राइवेट रिको फ्रॉस्ट की भूमिका निभाई और डेट विश्तीन उन्नीस सौ स्पाइस लाइक अस उन्नीस सौ पचासी द डर्टीडोजन नेक्स्ट मिशन उन्नीस टीवी फिल्म दिसप्लिस्ड पर्सन अमेरिकन प्लेहाउस का उन्नीस एपिसोड गुलीवर्स ट्रेवल्स उन्नीस मिशन इम्पॉसिबल उन्नीस सौ छियानवे फियर्स क्रिएटर्स उन्नीस सौ सत्तानवे नेट एंड द कर्नल 2003 और हाइड्रा 2009 फिल्मों में भी दिखाई दिए 1980 के दशक के अंत से लेकर 1990 के दशक की शुरुआत तक वे यूनाइटेड किंगडम में रहे और काम किए वहां रहते हुए उन्होंने डॉक्टर हूं उन्नीस के धारावाहिक द ग्रेटेस्ट शो इन द गैलेक्सी में और जीप्स एंड वूस्तर में अतिथि भूमिकाएं निभाईं और उन्नीस की मिनी सीरीज़ स्लीपर्स में सीआईए एजेंट कार्लर इच्छील्ड के रूप में सहायक भूमिका निभाई रॉस अब विभिन्न विज्ञापनों के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसारित होने वाले टीवी शो में भी दिखाई देते हैं एलियंस रिको रॉस ने मूल रूप से कॉर्पोरल हिक्स की भूमिका के लिए पाया था उसके बाद उन्हें प्राइवेट ड्रेक की भूमिका की पेशकश की गई लेकिन उन्होंने फुल मेटल जैकेट में अभिनय करने के पक्ष में इसे कुकरा दिए हालांकि जेम्स कैमरून रॉस के ऑडिशन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फ्रॉस्ट का किरदार खास तौर पर उनके लिए लिखा और परिणामस्वरूप रॉस ने एलियंस में अभिनय करने के लिए कुब्रिक के प्रोडक्शन को छोड़ दिए पॉडकास्ट आई वाज देयर टू के लिए 2014 के एक साक्षात्कार में रॉस ने कहा कि प्राइवेट फ्रॉस्ट का पहला नाम वास्तव में रॉबर्ट है फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स उन्नीस सौ तिरासी आहत उन्नीस सौ पचासी द डर्टी डजन अगला मिशन अर्लेन ड्रेगर्स टीवी फिल्म मृत्यु की कामना तीन क्यूबा हमारे जैसे जासूस बॉम्बकार्ड उन्नीस सौ छियासी एलियंस प्राइवेट फ्रॉस्ट उन्नीस सौ सत्तासी शर्लक होम्स की वापसी मैथ्यू टीवी फिल्म शारीरिक संपर्क स्माइली उन्नीस सौ अट्ठासी क्रूसो दूसरा शिकार उन्नीस सौ स्ट्रीम टेबल पर पहला दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो चूस अक्टूबर दो हजार के एक तरह से दिन इसे प्रीमैक कर दिया गया था नेटफ्लिक्स के ऊपर और अभी इसे रिन्यू कर दिया गया है इसके अगले सेक्शन के लिए बाकी एपिसोडों की बात की जाए तो सेक्शन वन के अंदर तकरीबन महज आठ एपिसोड देखने को मिले थे जिनकी लेंथ है चालीस से लगभग बासठ मिनट के बीच में थी जो कि एक तरह से बहुत ही बढ़िया लेंथ है बाकी यदि आपको और भी जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं वो आई बटन पर लिंक है बाकी पूरी डिटेल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में